हेलो दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिकल पावर फर्स्ट चैप्टर थर्ड डीसी ट्रांसमिशन, जो हमारा था टॉपिक था वो ट्रांसमिशन सिस्टम था, जिसमें हम डीसी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके आज हम एडवांटेज देखेंगे। तो इट रिक्वायर्ड ओनली टू कंडक्टर्स एज कम्पेयर टू थ्री एसी ट्रांसमिशन। एसी सिस्टम में क्या था, मिनिमम तीन कंडक्टर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन डीसी में दो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो आपका एक तो कंडक्टर बचेगा, दूसरा इंसुलेटर बचेगा, तीसरा कि जो क्रॉस आर्म है वो बचेगा, और तीसरा क्या टावर नंबर टावर। मतलब देखिए, जैसे कि आपका कंडक्टर अगर बढ़ रहा है तो इंसुलेटर बढ़ेगा, टावर बढ़ेंगे तो आपका पैसा बचेगा, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, देयर इज नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। इसके अंदर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं होता, तो जो लॉसेस होते हैं ना वो भी कम हो जाते हैं। समझ आया? और डीसी ट्रांसमिशन लाइन हैज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसके अंदर बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जो आपका नो लोड या फुल लोड के बीच में जो गैप आ जाता है वोल्टेज, उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो नॉर्मली इसमें वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। दे इज नो स्किन इफेक्ट। इसके अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता है, याद रख लेना इस चीज को। फॉर द सेम वर्किंग वोल्टेज, सेम वर्किंग वोल्टेज अगर हम एसी यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं और इसके अंदर लॉसेस कम होते हैं। और इसमें जो इंसुलेटर होता है वो लो लेवल के लिए रिक्वायरमेंट होता है, मतलब नॉर्मल इंसुलेटर भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। एसी में इंसुलेटर एज ए कैपेसिटर एक्ट करने लग जाता है। और डीसी लाइन हैज लेस कोरोना लॉसेस। इसके अंदर कोरोना लॉसेस भी बहुत कम होता है। द हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है कि जैसे कि आपका इंसुलेटर फेल हो जाए, इस तरीके के लॉसेस को डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं, तो ये खतरा नहीं होता है। दे आर नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। इसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी नहीं होता है। कुछ एडवांटेज आप इसे पॉइंट नोट कर लेना, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेज पड़ता है, इलेक्ट्रिकल पावर कैन नॉट बी जनरेट एट हाई वोल्टेज। इसे हम हाई वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते। द डीसी पावर कैन नॉट बी स्टेप अप फ्रॉम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर हाई वोल्टेज। हम इसे स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। द डीसी स्विच एंड सर्किट ब्रेकर हैव देयर ओवन लिमिटेशन। इनके कुछ अपने लिमिटेशन है, जो जो सर्किट ब्रेकर होते हैं। ठीक है, एसी के ट्रांसमिशन के फायदे देखते हैं। द पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कम पावर जनरेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड एसी सब स्टेशन इज सस्ता होता है, आसान होता है। द एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बाय द ट्रांसफार्मर विद द इजी एंड इफिशेंसी। द परमिट ऑफ ट्रांसमिशन पावर हाई वोल्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट सेफ पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि इसे इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये सेफ भी है कंपेयर टू डीसी। एसी सेफ है कंपेयर टू डीसी, इसलिए हम एसी का यूज करते हैं। ठीक है, और बस ये इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे।